नमस्कार, जानते हैं अनेस फोरम 2021 कक्षा 8 और 10 के शिक्षकों को किस प्रकार भरना है। सबसे पहले आपके सामने जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसमें विद्यालय का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक, पीओ का नाम, विषय और कक्षा इस प्रकार भरने हैं। अगर आपके पास ये फॉर्मेट नहीं है, इसमें कुल 5 सीखने के प्रतिफल और कॉलम दिए गए हैं, तो सिर्फ 5 ही नहीं बनाने हैं, इससे ज़्यादा कंप्लीट करने हैं हमें। पाठ्य पुस्तक के अनुसार सभी चैप्टर आपके क्लियर हो जाने चाहिए और सीखने के प्रतिफल भी सभी आ जाने चाहिए। तो इससे ज़्यादा कॉलम का फॉर्मेट जो है, मेरे टेलीग्राम आईडी से ले लीजिएगा। और सीखने के प्रतिफल हैं जो अलग से डाउनलोड कर दिए गए हैं, वो भी टेलीग्राम आईडी पे उपलब्ध है, अगर आपके पास नहीं हो तो। कक्षा 3, 5, 8 और 10 के सीखने के प्रतिफल सभी डाउनलोड कर दिए गए हैं। अब देखिए, सीखने के प्रतिफल और पाठ्य पुस्तक का संदर्भ है, ये दोनों कॉलम कैसे कंप्लीट करें। ये हमारे पास एक फॉर्म है कक्षा 8 के लिए, तो सीखने के प्रतिफल एक तरफ लिख दिए गए हैं, दूसरी तरफ पाठ्य पुस्तक का संदर्भ, पाठ नंबर और पेज नंबर। तो इसमें करना क्या है, पाठ्य पुस्तक का संदर्भ जो है कक्षा 8 गणित, जो अपने पाठ का संदर्भ हो गया, पाठ नंबर पाठ 1 और पृष्ठ संख्या 11 और 13 जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हमें सीखने का प्रतिफल कॉलम 1 प्राप्त होगा, गुणात्मक, तत्सम और योगात्मक। तो इस प्रकार बाकी दूसरे करनी है। अब देखिए, कक्षा 8 गणित पृष्ठ संख्या 100, 104 और 5, 6 पढ़ेंगे, तो हमें वर्ग तथा पायथागोरस त्रिक ज्ञात करने को मिलेगा। तो ये सीखने के प्रतिफल है, इस प्रकार हम सभी इस लाइन में लिखेंगे और 2 नंबर में पाठ का संदर्भ, पाठ नंबर और पेज नंबर लिखेंगे। ये 2 कॉलम आपको पूरे करने हैं। चेकलिस्ट, संकेतक, संरेखण, ये आपको नहीं करना है, कक्षा 8 और 10 को ये नहीं करना है। इस फॉर्म को भरने से संबंधित ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉलम संख्या 3 जो है, यहाँ चेकलिस्ट, संकेतक, संरेखण, ये यहाँ दे रखा है। 8 नंबर बिंदु देखिए, कॉलम 3 कक्षा 3 व 5 के अध्यापकों हेतु है, यानी कि आपको नहीं करना है, कक्षा 8 और 10 वालों को ये नहीं करना है। अब ये फॉर्म सीखने के प्रतिफल आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम आईडी एक्सपर्ट स्टडी गुरु से ले लीजिए। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार की समस्या आती है तो SMS कीजिए। वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।